देख बिना ब्रेक डाउनलोड तक ऐप। बिहार की संस्कृति की धमक अब दुनिया भर में सुनाई देने लगी है। मिथिला पेंटिंग की प्रसिद्धि जापान और कनाडा जैसे देशों तक पहुंच चुकी है। ऐसे में कल को अगर आप जापान जाते हैं और आपको वहां की रेलगाड़ियों पर मिथिला पेंटिंग्स दिखे तो चौंकने की जरूरत नहीं है। पूर्व मध्य रेलवे की ओर से मधुबनी स्टेशन एवं संपर्क क्रांति एक्सप्रेस में मिथिला पेंटिंग सजाए जाने के बाद अब इस पेंटिंग की ख्याति दूर देश तक पहुंच चुकी है। यह हम बिहारियों के लिए गौरव की बात है कि बिहार की मशहूर मिथिला पेंटिंग्स को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मजबूत पहचान मिली है। यूनाइटेड नेशंस के भारतीय कार्यालय ने ट्विटर के माध्यम से मिथिला पेंटिंग से सजाए गए ट्रेनों की सजावट को सराहा है। अब जापान और कनाडा जैसे देशों ने भी अपने यहाँ की ट्रेनों और स्टेशनों को मिथिला पेंटिंग से सजाने की कवायद शुरू कर दी है। दोनों देशों ने रेलवे बोर्ड से इस संबंध में जानकारी मांगी है। रेल मंत्रालय की ओर से दोनों देशों को इसकी पूरी जानकारी भेजी गई है। आपको बता दें कि राजेंद्र नगर टर्मिनल से नई दिल्ली जाने वाली राजधानी एक्सप्रेस की रैक को मिथिला पेंटिंग्स के कारण अलग से पहचाना जाता है। इन ट्रेनों की खूबसूरती से देशों के अलग राज्य ही नहीं बल्कि विदेशों में भी इसकी सराहना हो रही है। पूर्व मध्य रेलवे के CPRO ने बताया कि रेल प्रबंधन की ओर से बिहार की मशहूर मिथिला पेंटिंग्स को विश्व स्तर पर पहचान दिलाने की कोशिश की गई है। पटना जंक्शन, मधुबनी स्टेशन, राजेंद्र नगर टर्मिनल के साथ राजधानी और संपर्क क्रांति एक्सप्रेस को मिथिला पेंटिंग से पूरी तरह सजाया गया है। इसे इस कला को विश्व के कई देशों में पहचान मिली है। इस कला से जुड़े कलाकारों और दूसरे देशों की ट्रेनों और स्टेशनों को सजाने का ऑफर मिलने लगा है। कनाडा और जापान जैसे विकसित देशों ने अपने यहाँ की ट्रेनों को मिथिला पेंटिंग से सजाने की दिलचस्पी दिखाई है। दोनों देशों ने रेल मंत्रालय से संपर्क कर पूरा विवरण मांगा। CPRO ने कहा कि अगर रेल मंत्रालय से अनुमति मिल जाती है तो पूर्व मध्य रेल कनाडा और जापान सहित कई अन्य देशों की ट्रेनों को सजाने का काम कर सकती है। इसके लिए यहाँ के कलाकारों को भी विश्व स्तर पर सम्मान के साथ आर्थिक खुशहाली भी मिलेगी। इस कला से जुड़े कलाकारों जिनमें अधिकतर महिलाएं हैं उनके लिए रोजगार के नए अवसर खुलेंगे। आपको ये जानकर खुशी होगी कि यहाँ से हजारों कोस दूर जापान की निगेता में एक मिथिला म्यूजियम भी है जिसमें मिथिला पेंटिंग की एक अलग ही दुनिया बसी हुई है। 15,000 से भी ज्यादा मिथिला पेंटिंग के साथ सुशोभित ये म्यूजियम भारत से मिथिला कलाकारों को आमंत्रित कर रहा है और उनके रहने खाने की भी व्यवस्था करता है। हमें इस बात से गौरवान्वित होना चाहिए कि बिहार की संस्कृति और कला को पुनः राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पहचान मिल रही है।